नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मार्ग। 24, 25, 26, 27, 28 और 29 मार्च आप वृषभ राशि वालों, आपके लिए ये समय कैसा रहेगा? ये 6 दिन क्या कुछ लेकर आया है आपकी लाइफ में? तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं हम 24 मार्च। 24 मार्च आपके लिए अच्छा वक्त है, क्योंकि संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। और अगर आप रोजगार में हैं, व्यवसायी हैं, आप जॉब करते हैं, तो आपको मनचाही सफलता भी मिल रही है। तीसरी बात, आपका मन प्रसन्न भी रहेगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ें तो देखिए, यहाँ पर शुक्रदेव चूँकि 28 मार्च वृषभ राशि में आएंगे, लेकिन उसके पहले समझते हैं दसम भाव का चंद्रमा आप व्यापारियों के लिए बहुत सारी सफलताएं लेकर आया है, लेकिन धन के लेन देन में आपको बहुत सावधानी रखना चाहिए। क्योंकि इस समय अगर पैसे किसी को उधार देते हैं, आप बहुत सारे आप व्यापारी हैं, सामान उधार दे दिए, तो ऐसे में पैसे वापस आने की संभावना बहुत जोखिम भरा रहेगा। इसलिए लेन देन में बहुत सावधानी रखें और पैसों के मामलों में किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें। दूसरी तरफ अगर आप जॉब करते हैं, तो आप अपने ऑफिस में जिससे भी बात करते हैं सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि इस समय आपकी बातें आपको बेवजह बदनाम कर सकती है। उच्चाधिकारियों के साथ उलझिएगा मत, बिल्कुल शांत होकर जो जितना ज़रूरत है उतना ही बात करें। जब चंद्रमा 11वें भाव में जाएंगे, तब आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी, क्योंकि इस समय खुशखबरी की अंबार भी लग सकती है। अब होगा क्या, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब करते हैं, आप विद्यार्थी हैं, ये सबके लिए है। कोई ऐसा शख्स जो आपकी लाइफ में अचानक से एंट्री करेगा और आपकी लाइफ को बदल सकता है, क्योंकि उनका साथ, उनका परामर्श आपको आगे बढ़ने के ढेर सारे रास्ते भी दिखाएगा और मौके भी देगा। हालांकि 12वें भाव का चंद्रमा थोड़ी सी आपके जीवन में खर्चे कराएगा, पर यहाँ पर देखिए खर्चे तो होंगे पर भौतिक सुखों पर ये बेवजह खर्च होंगे, और इस समय थोड़े खर्च करने से धन हानि होने से बचिए। और इस समय किसी की बातों में आकर कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने से भी बचिए, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें भटकाव वाली है, इसलिए कहीं मान हानि ना हो जाए, इस बात का संभावना बना हुआ है। तो ज़रा अपने मान सम्मान का भी ख्याल रखिए। जब 29 मार्च को लग्न में यानी कि प्रथम भाव में चंद्रमा आएंगे, तब जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी वापस से, और तमाम परेशानियाँ भी दूर होगी, साथ ही जीवन में जो अड़चने थी वो दूर होगी। तो अब हम आपको ग्रहों की स्थिति के अनुसार बताएं। अगर वैसे आप एक बात जान लें, कनकधारा स्त्रोत का पाठ रोज़ सुबह नहा धोकर करें तो बेहतर होगा। तो 28 मार्च को शुक्रदेव वृषभ राशि में आ रहे हैं, और यहाँ से आपकी लाइफ बिल्कुल बदल रही है, क्योंकि लग्न में शुक्रदेव आएंगे, आपके राशि के स्वामी हैं। एक तो आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, आप मानसिक रूप से एकदम से आपको लगेगा आप तरोताज़ा हो गए हैं, आपका समाज में भी मान सम्मान बढ़ेगा। और साथ ही 30 मार्च को जब देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, यहाँ पर मंगल शनि पहले से विराजमान हैं, तब थोड़ी सी चीज़ें आपके हाथों से फिसलती दिखेगी, क्योंकि लंबी यात्राएं भी करवाएगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी थोड़ी परेशानियां देगा, ऐसे में आप अपनी एकाग्रता मजबूत बनाए रखें, योगाभ्यास कीजिए, रोज़ 10 मिनट आधा घंटा जरूर कीजिए, तुलसी के पत्ते नियमित रूप से सेवन कीजिए तो अच्छा होगा। वैसे देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिलेगी और धन भी आएगा। अगर हम आपके लव लाइफ की बात करें, तो आप अपने इमोशन पर, भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें, क्योंकि हो सकता है आप दोनों में कुछ बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप जो चीज़ करना नहीं चाहते वो किसी और पे मत ला दिए। और पंचम भाव में सूर्य की दृष्टि है, तो हो सकता है बेवजह झगड़े लड़ाई वाद विवाद हो जाए, तो ऐसे में सब चीज़ों को समझें, बातचीत करते हुए समस्याओं का समाधान निकालें, नहीं तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो सामान्य है, लेकिन वैवाहिक जीवन में हैं तो थोड़ी सी जीवन साथी के साथ आप बेहतर फील कर पा रहे हैं, बेहतर वक्त है आपके लिए। तो कुल मिलाकर
ये समय आपके लिए अच्छा है, थोड़ा सा गड़बड़ है 2 दिन, उन 2 दिनों में, हालांकि हम डेली राशिफल लाते ही हैं तो 2 दिनों में थोड़ी सी सावधानी बरतने के लिए हम आपको बता ही देंगे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जीवन से मैच करें तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।